तो कहानी शुरू होती है एक मैयत से, जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं और वो लोग किसी की लाश को दफना रहे होते हैं। सॉरी मुझे पता नहीं यार ये क्या क्रिया वगैरह होती है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ दफना रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है एक हीरो जो आया है अपनी बीवी से मिलने के लिए और उससे कुछ मीठी मीठी बातें करता है और वो पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो बता दिया कि तुम्हारी बेटी का एक बॉयफ्रेंड है, वो उसके साथ मज़े कर रही है। और यहाँ पर दिखाई जाती है उसकी बेटी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी मिनसी कर रही है। और वहाँ पर आया हीरोइन का बाप, वो देखता है इसके बॉयफ्रेंड को और उसको घूर रहा होता है। फिर लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है ये मेरे पापा हैं, ये ऐसे घूरते हैं, तुम डरो मत। उसके बाद लड़की अपने पापा को लेकर वहाँ से निकलती है एक लॉन्ग ड्राइव पर और कुछ बातें करते हैं। फिर वो तीनों मिलते हैं आपस में, मियाँ बीबी और उसकी बच्ची, ये तीनों आए हैं घूमने के लिए दूसरे शहर में एक होटल के अंदर। और तभी मियाँ बीबी निकलते हैं किसी काम से और इन पर कुछ गुंडों का हमला हो जाता है। तो फ़ोन करके अपनी बच्ची को बोलता है कि बेटी अपना ख्याल रखना, कमरे से बाहर निकल जाओ, छुप जाओ, कुछ लोग तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तो हीरोइन ऐसा करती है और कमरे से निकल कर वो छुप जाती है और कुछ लोग आते हैं उस कमरे की तलाशी लेते हैं लेकिन वो नहीं मिलती। और यहाँ पर हीरो को बांध दिया गया है और उसे टॉर्चर किया जा रहा है कि बताओ तुम्हारी बेटी कहाँ है, लेकिन ये नहीं बता रहा है। तो उसके पास एक छुपा हुआ फ़ोन है तो वो अपनी बेटी से बात कर रहा है कि मेरा एक बैग खोलो, उस बैग के अंदर कुछ बॉम्ब्स हैं, उनसे अपनी रक्षा करो। और फ़ोन पर बात करते करते वो उसको इंस्ट्रक्शन देता है और उसकी लड़की वही करती है, इधर से भागती है उधर से भागती है और कुछ लोगों को मारते मारते वो अपने डैडी को बचा लेती है। तो डैडी को बचाने के बाद ये कहता है कि मुझे अब तुम्हारी मम्मी को बचाने जाना है, तो तुम कहीं सेफ जगह पर चले जाओ। और यहाँ पर दिखाया जाता है इसकी मम्मी को, ये बंदा टॉर्चर कर रहा है। तो इसके पास आता है हीरो अपनी बीवी को बचाने और उसको बोलता है मैंने तुम्हारे बेटे को इसलिए मारा था क्योंकि उसने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम सुधर जाओ नहीं तो तुमको मार दूंगा मैं। लेकिन कहता है मैं नहीं सुधरूंगा। तो मजबूर ने उस बंदे को मारना होता है और अपनी बीवी को ये बचा लेता है। अपनी बीवी को बचाने के बाद अपनी बेटी के साथ मिलकर एक होटल में खाना पीना खा रहा होता है और वहीं पर आता है उसका बॉयफ्रेंड और ये सब लोग बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म एक्शन के तौर पर बहुत अच्छी है, इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही सिंपल है, तो अपने रिस्क पर देख लेना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।